नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सत्यो, आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा चैनल सत्योस ज्ञान फाउंडेशन में। चलिए दोस्तों, हम पिछले क्लास में यानी बायोलॉजी का स्केलेटल सिस्टम का पार्ट वन पढ़ चुके थे। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका स्केलेटल सिस्टम क्या होते हैं, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के बोन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ये बोन जो कि 206 यानी 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ये कहाँ पे कितना बोन होते हैं, और इसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी मैं आप लोगों को देने के लिए कोशिश करूंगा और हमेशा करता ही रहूंगा। जितना दूर हो सके मैं मेरा सारे एफोर्ट लगाने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ईच एंड एवरी बोन के बारे में, ईच एंड एवरी बोन के बारे में यानी 206 के 6 बोन्स के बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह आज का कोड ऑफ द डे यानी छोटी सी मोटिवेशनल शायरी। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। अरे जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। देखिए दोस्तों, ये ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, बैकबोन का स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमन स्केलेटन, ये बैकबोन होते हैं। देखिए इसे हम कहते हैं स्कॉल, स्कॉल बोन। स्कॉल यानी एट बोन्स जो होते हैं ये स्कॉल बोन होते हैं, और ये होते हैं योर बोन, योर यानी ये यर, और ये भी यर होते हैं यानी ईयर बोन, 3 and 3, 6 होते हैं। देखिए दोस्तों, ये होते हैं फेस बोन, फेस बोन। देन देखिए दोस्तों, देखिए यही होता है रिबकेज, रिबकेज, और ये होता है स्टर्नम, स्टर्नम। क्या होता है दोस्तों, देखिए पेक्टोरियल ग्रिडल, पेक्टोरियल ग्रिडल यानी यही पेक्टोरियल ग्रिडल होते हैं और ये भी पेक्टोरियल ग्रिडल होते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये होते हैं होमेरस, होमेरस। ये होता है दोस्तों, देखिए रेडियस, ये होता है देखिए दोस्तों अल्ला, ये देखिए दोस्तों ये होता है कार्पेल, और ये देखिए दोस्तों ये रिस्ट पे होते हैं मेटाकार्पेल, कार्पेल मेटाकार्पेल, सॉरी कार्पेल होते हैं रिस्ट में, ये रिस्ट ये पाम में होते हैं यानी ये अंदर वाले बोन को हम कहते हैं आंला और बाहर वाले बोन को हम कहते हैं रेडियस। ये देखिए दोस्तों फलेंजेस होते हैं, फलेंजेस। अभी देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं ये जो दोनों बोन है ये हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, पेल्विक ग्रिडल कहते हैं, और इसको कहते हैं हमें देखिए दोस्तों फीमर, फीमर ये होते हैं फीमर यानी थाई बोन भी कहते हैं। थाई बोन कहते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये होते हैं पटेला, पटेला यानी नी, नी पे होते हैं पटेला।
ये होते हैं दोस्तों अंदर वाले बोन का हम कहते हैं टिबिया, बाहर वाले बोन का हम कहते हैं फिबुला। देन देखिए दोस्तों टॉर्सल कहते हैं ये जो एंकल पे होते हैं उसे हम कहते हैं टॉर्सल। टॉर्सल टॉर्सल कहते हैं ये जो एंकल पे होते हैं। देन इसे कहते हैं हमें मेटाटॉर्सल। मेटाटॉर्सल यानी सोल पे होते हैं। नेक्स्ट टोज पे जो होते हैं इसे हम कहते हैं फॉलेंजेस। फॉलेंजेस यानी टोज, अंगूठे, पैरों के अंगूठे। देखिए दोस्तों ये ऐसे होते हैं, ये पिक्टरल ग्रिडल, ये भी पिक्टरल ग्रिडल होते हैं, और ये रिबकेज होते हैं, और ये स्टेनम होते हैं, ये मिडिल मिडिल के जो जो भी होते हैं इसे हमें स्टेनम कहते हैं। और देखिए ये हमेरस है, ये रेडियस, ये अनुला, कार्पल, मेटाकार्पल, फॉलेंजिस, आउटर, इनर। ये देखिए दोस्तों ये जो होमेरस होते हैं ये अपर आर्म में होते हैं, ये दोनों फोर आर्म में होते हैं, फोर आर्म में होते हैं। फलेंजेस मीन्स फिंगर, फिंगर कहते हैं। चलिए दोस्तों ये फेस बोन, 14 बोन फेस बोन कहते हैं हमें, टोटली 14 बोन को हम फेस बोन कहते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैंने इसका बैक पार्ट में अभी थोड़ा बताऊंगा। ये देखिए ये अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे टाइप पे हमारे बैकबोन होते हैं, ये बैकबोन, और इसे हमें कहते हैं सर्विकल, सॉरी वर्टिब्रे, इसे हमें वर्टिब्रे भी कहते हैं। देखिए ये होते हैं सर्विकल, इसे हम कहते हैं सर्विकल। सर्विकल यानी ये 7 बोन होते हैं सर्विकल। उसके बाद देखेंगे थोरासिक, इसे हम कहते हैं थोरासिक। थोरासिक यानी 12 बोन होते हैं थोरासिक। देन इसके देखिए इसे हम कहते हैं लुम्बाड। लुम्बाड ये 5 बोन होते हैं, ये 5 बोन होते हैं। देन देखिए दोस्तों ये जो होते हैं इसी पार्ट को हम कहते हैं सैक्रम। सैक्रम यानी ये 1 बोन होते हैं। देन इसी पार्ट को हम कहते हैं कॉक्सिक, ये भी 1 बोन होते हैं। देखिए दोस्तों ये बैकबोन, इसे हम वर्टिब्रे भी कहते हैं, सर्विकल ये पार्ट है, थोरासिक ये पार्ट है, और लुम्बाड, LUMBART, लुम्बाड, इसी पार्ट को हम कहते हैं लुम्बाड, ये सैक्रम, ये कॉक्सिक होते हैं। चलिए दोस्तों 7, 12, 5, 1, 1। नेक्स्ट चलिए दोस्तों अभी मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा बताऊंगा। चलिए दोस्तों एक एक करके एक एक बोन को हम किसे कहते हैं, द नेम ऑफ ईच बोन्स एंड प्रेजेंस ऑफ ईच बोन्स के बारे में मैं पूरे डिटेल आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों अभी थोड़ा ये स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी आपको पूरे डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों ये देखिए जो इसके अंदर होते हैं हार्ट एंड लॉन्ग्स, ये होते हैं, ये जो होलो टाइप का होते हैं इसे हम रिब केज कहते हैं, और ये मिडिल वाले को हमें स्टर्नम कहते हैं। चले ये पिक्टोरल ग्रिडल होते हैं, ये पेल्विक ग्रिडल होते हैं, ये फीमर थाई बोन होते हैं, पटेला, टिबिया, टिबिया यानी अंदर वाले को टिबिया हम कहते हैं, बाहर वाले को फिबुला कहते हैं, यानी ये होते हैं टॉर्सल एंकल पे होते हैं, मेटाटॉर्सल यानी सोल पे होते हैं, फलंजस टोज पे होते हैं।
चलिए दोस्तों, ये इनर, ये आउटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बोन होते हैं जिसको हमें हायोड कहते हैं। हायोड यानी ये इट इज कनेक्टेड बिटवीन नेक एंड टंग। देखिए, चलिए और थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए दोस्तों, ये स्कॉल बोन होते हैं यानी 8 बोन्स, योर बोन्स यानी 3, फेस बोन 14, हायोड ये 1 होते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल ये यानी 2 × 2 होते हैं, ये रिबकेज यानी 12 × 2 यानी 24 होते हैं, और देखिए स्टर्नम ये 1 × 2 होते हैं, हमरस 1 × 2, रेडियस 1 × 2, अनला 1 × 2, कार्पेल यानी 8 × 2 16, मेटाकार्पेल यानी 5 × 2 10, फालेंजेस यानी 14 × 2 28 होते हैं। चलिए दोस्तों, ये पेल्विक ग्रिडल ये भी 1 × 2 होते हैं, 2 होते हैं। थिम्बर ये 1 × 2 होते हैं। पटेला यानी ये भी 1 × 2 होते हैं। टिबिया यानी ये भी 1 × 2 होते हैं। फिबुला यानी ये भी 1 × 2 होते हैं। टॉर्सल यानी 7 × 2 14 होते हैं। मेटाटॉर्सल 5 × 2 10 होते हैं। फालेंजेस 14 × 2 28 बोन होते हैं। और ज्यादा हमें एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। चलिए दोस्तों, ये भी ये बैकबोन होते हैं, ये सर्विकल, थोरासिक, लुम्बार, सैक्रम, कॉक्सिक यानी सर्विकल 7, थोरासिक 12, लुम्बार 5, सैक्रम 1 एंड कॉक्सिक 1। चलिए दोस्तों, ये भी ये राइट की तरह लेफ्ट भी ऐसे सेम होते हैं। देखिए ये भी सेम होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पटला होता है। देखिए इसे स्क्रीनशॉट कीजिए और एक एक बारे में यानी ईयर बोन 3 बोन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसका नेम क्या है, स्कॉल बोन, फेस बोन 14 होते हैं, एक एक करके अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए अभी हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एट फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन, सेकंड वन इज एंडोस्केलेटन। फर्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन, सेकंड वन इज एंडोस्केलेटन यानी जो आउटर सरफेस पे होते हैं उसे हमें एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और जो इनर सरफेस पे जो भी बोन्स होते हैं इसे हमें एंडोस्केलेटन कहते हैं। इसका एग्जांपल है, मैंने आपको ऑलरेडी कह चुका हूं, हेयर और नेल होते हैं, और इसका ये दो टाइप का होते हैं। क्या क्या, देखिए दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल एंड दूसरा अपेंडिकुलर। एक होते हैं एक्सियल एंड दूसरा है अपेंडिकुलर यानी ये बोन्स हमारे बॉडी के अंदर 206 बोन्स होते हैं। 206 बोन्स होते हैं एट फर्स्ट इन केस ऑफ चाइल्ड अप्रोक्सीमेटली 300 बोन्स आर प्रेजेंट एंड आफ्टर
द चाइल्ड विल ग्रोन अप देन इट इज फ्यूज्ड एंड एंड इट इज इट मेक्स 206 बोन्स. देन देखिए एक्सियल होते हैं 80 बोन्स और एपेंडिकुलर होते हैं 126 बोन्स. 126 बोन्स यानी 126 बोन्स आर कॉल्ड एपेंडिकुलर एंड 80 बोन्स आर कॉल्ड एक्सियल. चलिए दोस्तों एक्सियल क्या क्या होते हैं अभी हम एक एक करके मैं आपको डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करूंगा. चलिए दोस्तों एक्सियल होते हैं एट फर्स्ट क्रैनियल यानी क्रैनियल में ऐसे ऊपर यानी देखिए क्रैनियल के अंदर कौन कौन आता है. देखिए क्रैनियल में आते हैं स्कॉल बोन. नेक्स्ट फेस. नेक्स्ट ईयर बोन. नेक्स्ट हायोड. देखिए ये हो गया क्रैनियल बोन्स. नेक्स्ट देखिए वर्टिब्रे होते हैं. ये कहां पे होते हैं दोस्तों? बैकबोन हमें कहते हैं. नेक्स्ट देखिए वर्टिब्रे और थर्ड पे है रिबकेज एंड स्टेनम. चलिए मैं ये एक एक करके आपको बताने के लिए कोशिश करता हूं. चलिए दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा. देखिए एक्सियल बोन्स 80 बोन्स को हम एक्सियल बोन्स कहते हैं. ये देखिए पहले हम देखेंगे क्रैनियल बोन्स यानी पहले देखेंगे हमें स्कॉल बोन. स्कॉल में कितने बोन होते हैं? 8 बोन होते हैं. स्कॉल में कितने बोन होते हैं यानी 8 बोन होते हैं. कौन कौन बोन होते हैं अभी हम देखेंगे. स्कॉल के अंदर 8 बोन जो होते हैं क्या क्या होते हैं अभी हम देखेंगे. एक होते हैं ओसिपिटल. नेक्स्ट होते हैं पेरिएटल पेरिएटल. एंड तीसरा होते हैं फ्रंटल. ओसिपिटल पेरिएटल फ्रंटल टेम्पोरल स्पिनॉइड इथामोइड. ये वन होते हैं ये टू वन. यानी ओसिपिटल वन होते हैं पेरिएटल दो फ्रंटल एक टेम्पोरल दो स्पिनॉइड एक और इथामोइड वन. यानी वन टू वन वन यानी 8 बोन्स. 8 बोन्स इसे हमें कहते हैं स्कॉल बोन्स. नेक्स्ट हम देखेंगे फेस बोन्स. ये देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे अभी फेस बोन्स. फेस में 14 बोन्स होते हैं. फेस में कितने बोन होते हैं यानी 14 बोन होते हैं. चलिए अभी हम देखेंगे कौन कौन होते हैं. नाजल बूमर टॉर्बिनल लैक्रिमल. नाजल बूमर टर्मिनल लैक्रिमल जाइगोमेटिक
पैलेटाइन पैलेटाइन मैक्सिला मैक्सिला एंड लास्ट वन इज मैंडिबल मैक्सिला एंड मैंडिबल मैक्सिला एंड मैंडिबल नाजल भूमल टर्मिनल लैक्रिमल जाइगोमेटिक पैलेटाइन मैक्सिला एंड मैंडिबल। देखिए दोस्तों ये टू वन टू 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 वन यानी ये प्रोटीन बोन होते हैं। इसके अंदर ये जो प्रोटीन बोन होते हैं एक है नाजल दूसरा भूमल टर्मिनल लैक्रिमल जाइगोमेटिक पैलेटाइन मैक्सिला एंड मैंडिबल। अभी हम देखेंगे ईयर बोन कितने होते हैं दोस्तों ईयर बोन सिक्स होते हैं। ईयर बोन कितने होते हैं सिक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए मालियोस मालियोस इनकोस स्टेप्स यानी ईयर बोन थ्री इंटू टू इज इक्वल टू सिक्स बोन्स होते हैं यानी लेफ्ट साइड में थ्री बोन्स होते हैं और राइट साइड ईयर पे भी थ्री बोन्स होते हैं। एक है मालियोस दूसरा है इनकोस तीसरा है स्टेप्स यानी टू टू एंड टू। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे और एक बोन होते हैं हायोड हायोड ये एक बोन होते हैं। ये कहां पे होते हैं दोस्तों हायोड इज ए थिनेस्ट बोन व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेक एंड टोंग कनेक्टेड बिटवीन नेक एंड टोंग। ये जो हायोड होते हैं ये थिनेस्ट बोन होते हैं जो कि नेक और टोंग को कनेक्ट करते हैं ऐसे। चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे और क्या क्या बोन होते हैं रिब केज होते हैं सॉरी और क्या क्या बोन होते हैं हम देखेंगे वर्टिब्रे रिब केज भी थोड़ा देखिए रिब केज जो कि जो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। देखिए रिब केज यानी 12 × 2 यानी 24 होते हैं। लेफ्ट साइड में 12 होते हैं और राइट साइड में भी 12 होते हैं यानी 24 बोन होते हैं और इसे हम कहते हैं 12 पेयर भी कहते हैं। स्टर्नम देखिए स्टर्नम एक होते हैं यानी ये जो रिबकेज होते हैं यानी ये जो होलो बोन होते हैं यानी लेफ्ट साइड में 12 और राइट साइड में 12 होते हैं और ये जो मिडिल में होते हैं ये स्टर्नम कहते हैं उसे हम ये एक होते हैं। चलिए अभी हम देखेंगे वर्टिब्रे 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 देखिए वर्टिब्रे यानी ये पांच टाइप का होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं पांच टाइप के होते हैं यानी ये 26 बोन्स होते हैं। देखिए वर्टिब्रे पहला होते हैं सर्विकल दूसरा होते हैं थोरासिक तीसरा होते हैं लुम्बर्ड चौथा होते हैं सैक्रम पांचवा होते हैं कॉक्सिक सर्विकल थोरासिक लुम्बर्ड सैक्रम एंड कॉक्सिक यानी 7, 12, 5, 1, 1 7, 12, 5, 1 and 1 ये जो वर्टिब्रे कॉलम होते हैं ये चाइल्ड के समय में ये 33 बोन होते हैं और जब आदमी बड़ा होता जाएगा और जब भी आदमी ग्रोन अप होगा तो ये 9 बोन्स फ्यूज हो जाता है यानी सैक्रम में 5 बोन्स होते हैं और फ्यूज होकर ये 1 बोन में कन्वर्ट होते हैं और कॉक्सिक में भी 4 बोन होते हैं। ये आफ्टर द ग्रोन अप इट विल
इट विल फ्यूज एंड मेक ए वन बोन। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों, एक्सएल 80 यानी ये कौन कौन होते हैं, क्रैनियल यानी क्रैनियल के अंडर स्कॉल फेस ईयर, स्कॉल फेस ईयर यानी स्कॉल में 8, फेस में 14 एंड ईयर में 3 × 2 = 6 यानी क्रैनियल। और ये होते हैं हायोड और रिबकेज 12 × 2 रिबकेज कितने होते हैं 12 × 2 = 24 स्टर्नम 1। नेक्स्ट देखिए वर्टिब्रे 26। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 80 बोन्स होगा, 80 टोटली बोन्स होगा। अभी हम देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर यानी 126 बोन्स। अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। चलिए दोस्तों, अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर यानी देखिए, ये पहले अपेंडिकुलर क्या होते हैं, ये पहले होते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल यानी ये जो शोल्डर पे होते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल, यानी यहां पे दो बोन होते हैं और यहां पे भी दो बोन होते हैं। चलिए पेक्टोरियल ग्रिडल यानी इसे हमें शोल्डर बोन भी कहते हैं यानी ये 2 × 2 = 4 यानी लेफ्ट में दो और राइट में भी दो होते हैं, दो यानी चार बोन होते हैं। अभी हम देखेंगे लिम्ब बोन और दूसरा भी एक बोन होते हैं पेल्विक ग्रिडल। ये कहां पे होते हैं दोस्तों, ये 1 × 1 × 2 = 2 यानी ये लोअर अब्डम्स में होते हैं यानी पेट के नीचे पे होते हैं ये, यानी ऐसे देखने में ऐसे होते हैं ये जो ये बोन्स होते हैं। देखिए ये जो रिबकेज होते हैं ये स्टर्नम मिडिल में होते हैं और इसके ये एब्डम्स के नीचे पोर्शन पे ये होते हैं बोन, इसे हम कहते हैं पेल्विक ग्रिडल। यहाँ पे एक होते हैं और यहाँ पे भी एक होते हैं। चलिए दोस्तों, पेल्विक ग्रिडल होते हैं 1 × 2। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे लिम्ब बोन्स। ये भी दो टाइप का होते हैं लिम्ब बोन, फोर लिम्स और दूसरा है हिंड लिम्स। फोर लिम्स हम पढ़ेंगे यानी अपर पार्ट
He lives in lower part. Hind limbs यानी lower part, यानी कमर के नीचे हमें lower part कहते हैं, यानी hind limbs कहते हैं, और कमर से ऊपर हमें upper part कहते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए फोर लिम्स यानी अपर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट यानी कमर से ऊपर, यानी कमर से ऊपर। देखिए हमेरस, हमेरस, हमेरस अपर आर्म, ये कहां पे होते हैं दोस्तों? अपर आर्म यानी 1 into 2 रेडियस, रेडियस, रेडियस अनला, ये फोर आर्म में होते हैं, फोर आर्म, ये भी फोर आर्म। देखिए ये जो अपर आर्म होते हैं, हमेरस, हमेरस कहां पे होते हैं दोस्तों? देखिए यही है हमेरस, देखिए यही है हमेरस, देखिए अच्छे से देखिए, यही है हमेरस, हमेरस यानी रेडियस, रेडियस यानी ये जो फोर आर्म होते हैं, ये फोर आर्म यहीं पे, ये यहाँ पे दो बोन्स होते हैं, यानी अपर, अपर बोन, आउटर बोन को हम कहते हैं रेडियस, और अंदर बोन को हम कहते हैं क्या? अनला, अनला कहते हैं। ये देखिए, देखिए ये फोर आर्म, ये जो अपर आर्म होते हैं इसे हमें कहते हैं हमेरस, और इसे कहते हैं रेडियस एंड अनला। चलिए ये होते हैं 1 into 2, ये भी होते हैं 1 into 2 यानी लेफ्ट में एक और राइट में एक, अनला। चौथा देखिए कार्पेल, कार्पेल यानी ये रिस्ट पे होते हैं, रिस्ट कार्पेल यानी ये 8 into 2, 16 होते हैं, मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल ये कहां पे होते हैं दोस्तों? पाम में होते हैं, ये होते हैं 5 into 2, 10 होते हैं। फलेंजेस, फलेंजेस यानी ये कहां पे होते हैं दोस्तों? फिंगर, फिंगर यानी 14 into 28 यानी लेफ्ट में 48, राइट में भी 48। कार्पेल देखिए, कार्पेल कहां पे होते हैं दोस्तों? ये रिस्ट पे होते हैं, ये देखिए ऐसे, ये रिस्ट पे होते हैं, रिस्ट में कार्पेल होते हैं। और मेटाकार्पेल ये जो पाम होते हैं, ये पाम ऐसे होते हैं, ये मेटाकार्पेल हम कहते हैं। और फलेंजेस यानी अंगूठे यानी फिंगर्स। देखिए दोस्तों अभी हम देखेंगे हिंड लिम्स, हिंड लिम्स देखिए, नोट कीजिए फोर लिम्स, और अभी हम देखेंगे हिंड लिम्स। हिंड लिम्स यानी लोअर पार्ट यानी कमर से नीचे। हिंड लिम्स देखिए, पहला आता है हिंड लिम्स का क्या? फीमर, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, थाई बोन भी कहते हैं। ये सबसे लंबी बोन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, थाई बोन। ये कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं, यानी लेफ्ट में एक और राइट में एक, फीमर। देन आइए दोस्तों पटेला, पटेला ये कहां पे होते हैं? रिस्ट यानी नी पे होते हैं, नी पे होते हैं, ये भी 1 into 2 यानी 2 होते हैं, फीमर पटेला। देन आइए दोस्तों ये होते हैं टिबिया, टिबिया फिबुला, ये कहां पे होते हैं दोस्तों? शंख पे, शंख ये शंख पे होते हैं। शंख क्या होता है दोस्तों? ये देखिए नी से नीचे यानी देखिए ये थाई होते हैं, ये नी होते हैं, मान लो ये लेग होते हैं, और यहां पे ऐसे दो बोन होते हैं,
देखिए ऐसे होते हैं, ये जो आउटर बोन को हम कहते हैं टिबिया और अंदर बोन को हम कहते हैं फिबुला। फिबुला ये टिबिया होते हैं, टिबिया फिबुला होते हैं। और देखिए ये जो इसे हम कहते हैं, इसी पार्ट को हम कहते हैं संक, संक कहते हैं। यानी ये 1 × 2 होते हैं, यानी नी से नीचे, नीचे को हम कहते हैं संक। फिबुला 1 × 2 = 2 होते हैं। नेक्स्ट देखिए टिबिया फिबुला के बाद टॉर्सल, ये दोस्तों देखिए टॉर्सल, टॉर्सल मेटाटॉर्सल, टॉर्सल टॉर्सल यानी ये कहां पे होते हैं दोस्तों, एंकल पे, एंकल। ये कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 7 × 2 यानी 14 बोन होते हैं। मेटाडॉर्सल यानी ये कहां पे होते हैं, सोल में, सोल में। ये कितने होते हैं दोस्तों देखिए 5 × 2 यानी 10। फालेंजेस यानी टोज, पैरों के अंगूठे, यानी ये भी कितने होते हैं 14 × 2 यानी 28 बोन्स, ये भी 28 बोन होते हैं। चलिए देखिए ये जो टॉर्सल यानी एंकल, एंकल यानी एंकल 7 × 2 होते हैं। मेटाटॉर्सल यानी सोल पे होते हैं, हमारे पैर में जो सोल होते हैं। और फलंजस यानी टोज, पैरों के अंगूठे, यानी 28 बोन होते हैं। ये जब सारे हम मिलाएंगे तो 126 बोन होता है। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा दोबारा आपको रिव्यू कर देता हूं ताकि आपको याद आ ही जाएगा। स्केलेटल सिस्टम पूरे रिव्यू मैं कर देता हूं। स्केलेटल सिस्टम ये दो टाइप के होते हैं जनरली, एक होते हैं एक्सोस्केलेटल, दूसरा होते हैं एंडोस्केलेटल, दूसरा होते हैं एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होते हैं हेयर, नेल, और एंडोस्केलेटन ये जनरली दो टाइप के होते हैं। ये जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। क्या क्या बताइए चलो दोस्तों, ये होते हैं एक्सियल, एक होते हैं एक्सियल, दूसरा होते हैं अपेंडिकुलर, दूसरा होते हैं क्या दोस्तों, अपेंडिकुलर। एक्सियल 80 बोन्स होते हैं और अपेंडिकुलर 126 यानी 126 बोन्स होते हैं। चलिए इसके अंदर क्या क्या जाते हैं दोस्तों, क्रैनियल बोन्स, क्रैनियल, क्रैनियल के अंदर जाते हैं स्कॉल, फेस, ईयर, हायोड, यानी स्कॉल में 8 बोन होते हैं, फेस में 14, ईयर में 6 और हायोड में 1 होते हैं। ये सारे होते हैं क्रैनियल पार्ट के। दूसरा है वर्टिब्रे, दूसरा है वर्टिब्रे यानी 26 बोन्स वर्टिब्रे। तीसरा है रिबकेज, रिबकेज, रिबकेज 12 पेयर, 12 × 2 = 24, स्टर्नम एक, स्टर्नम एक होते हैं। यानी ये जो रिबकेज होते हैं ऐसे देखिए होलो टाइप का होते हैं, इसके मिडिल में होते हैं स्टर्नम होते हैं, ये हमारे यहीं यहीं पे होते हैं, यहीं पे, यहीं पे, ये जो हाथ को कवर करके रखे हैं। चलिए दोस्तों अभी हम देखेंगे अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर क्या क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं फोर लिम्स हिंड लिम्स होते हैं, फोर लिम्स हिंड लिम्स यानी कमर्स के ऊपर फोर लिम्स कहते हैं, कमर्स नीचे हिंड लिम्स कहते हैं। फोर लिम्स के अंदर आते हैं पिक्टोरियल ग्रिडल, पिक्टोरियल ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल ये शोल्डर बोन होते हैं, ये
ये भी एक बोन होते हैं जो कि लोअर एब्डम्स में होते हैं, ये टू होते हैं, ये भी टू होते हैं, और उससे बाद देखेंगे होल लिम्स में तरी, ये पेल्विक रिडल हिंड लिम्स में होते हैं, पेल्विक रिडल। उसके बाद देखेंगे क्या होते हैं, देखिए दोस्तों ये हैंड में होते हैं हमेरोस रेडियोस अनला कार्पेल मेटाकार्पेल फॉलेंजेस हमेरस दो 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 कार्पेल यानी 16, ये 10 होते हैं, ये फलेंजस 28 होते हैं। उसी तरह हम देखेंगे हिंड लिम्स देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हिंड लिम्स में होते हैं फीमर यानी थाई बोन जो कहते हैं, फीमर पटेला फीमर पटेला टिबिया फिबुला टॉर्सल मेटाटॉर्सल फॉलेंजेस यानी ये दो 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 टॉर्सल यानी 14, ये 10, ये 28, ऐसे तरह ये सारे बोन सिस्टम होते हैं। चलिए दोस्तों ये थोड़ा लिख दीजिए, देखिए अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में बहुत एग्जाम में आते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो कि आपको हमेशा याद रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। हमारे बॉडी में एक फ्लूइड होते हैं, स्केलेटल सिस्टम में ये सपोर्ट करने के लिए एक फ्लूइड होते हैं, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बॉडी, फ्लूइड इज प्रेजेंट उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्केलेटन। हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक फ्लूइड होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्केलेटन, जो कि किसका, ये मेन स्केलेटन होते हैं हाइड्रा का, ये किसका होते हैं, मेन स्केलेटन ऑफ हाइड्रा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, लुम्बर आर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम से हमारे लुम्बार्ड होते हैं, लुम्बार्ड जो कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में जो लुम्बार्ड होते हैं, लुम्बार्ड ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हैं। तीसरा पॉइंट है आपको याद रखना है, फीमेल सैक्रम इज शॉर्टेस्ट वाइडर एज कंपेयर टू द मेल, फीमेल सैक्रम इज शॉर्टेस्ट
shortest wider as compared to male चक्रम, फीमेल चक्रम होते हैं जो कि शॉर्टेस्ट होते हैं और वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू मेल चक्रम। चौथा पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, फिंगर नेल्स ग्रो 4 times फास्टर देन द टॉय नेल्स। फिंगर नेल्स ग्रो 4 times फास्टर देन टॉय नेल्स, यानी हाथ के अंगूठे ये ज्यादा ग्रो करते हैं, 4 times ग्रो करते हैं जो कि पैरों के अंगूठे के कंपैरिजन में। चलिए और एक देखिए, ये जो मेल के नाखून होते हैं ये जल्दी ग्रो करते हैं, ये क्विकली ग्रो नेल ऑफ क्विकली ग्रोस नेल ऑफ मेल एज कंपेयर टू फीमेल। ये जो नेल और हेयर भी होते हैं, नेल और हेयर ये क्विकली ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल, यानी मेल के जो हेयर और नेल होते हैं ये सबसे ज्यादा फीमेल के कंपैरिजन में ग्रो करते हैं। और पांचवा पॉइंट देखेंगे, देखिए दोस्तों मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ऊपर से थोड़ा आपको। पांचवा पॉइंट है, फीमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फीमर होते हैं जो कि कहां पे होते हैं, थाई में होते हैं, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हैं। लुम्बर क्या होते हैं दोस्तों, ये वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होते हैं, कंफ्यूज मत होना है आपको। और ये कैसे होते हैं, ये होलो होते हैं। और छठा पॉइंट हम देखेंगे क्या, देखिए जो कि ओनली बोन फुल्ली ग्रोन एट बर्थ लोकेटेड इन ईयर में बोन होते हैं जो कि बर्थ के टाइम में भी फॉर्मेशन हो ही जाता है। ये जो ईयर बोन होते हैं ये एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज फुल्ली ग्रोन अप वन ऑफ द बोन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्मॉलेस्ट बोन कौन होते हैं, स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स होते हैं, लार्जेस्ट बोन फीमर होते हैं, स्मॉलेस्ट स्टेप्स होते हैं, ये कहां पे होते हैं दोस्तों, ईयर पे होते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूं, आज का क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूं। थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी।